हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि मैटर है वो पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैटर पे मैंने क्लास 6 और क्लास 7 की भी वीडियो बनाई है जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की और कमेंट में हमने बताया कि आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी या इसके आगे वाले, अगर मैं पार्ट इसको डिवाइड करूँगा तो उसके आगे वाले पार्ट अच्छे लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्लास 6-7 में ये अच्छे से जान लिया था कि मैटर क्या होता है, लेकिन इस क्लास में फ्रेंड्स हम उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ साथ में उसके बारे में और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि साइंस में केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा पार्ट है जो सिर्फ मैटर ही के अलग अलग स्टडीज़ को डिफाइन करता है। ये इसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अगर हम आसपास अपने देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ दिखते हैं, जैसे स्टोन, सैंड, वॉल, वाटर, मिनरल, प्लांट, एनिमल, बुक। आप जिस पीसी या मोबाइल में देख रहे हैं वो सब, ये सारे जो चीज़ें, ये सारे मैटर हैं, समझे फ्रेंड्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई, चाहे वो हवा, पानी, चेयर, कॉपी, बॉटल, लैम्प, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। इससे आपको क्या समझ में आता है? फ्रेंड्स, इससे हमें तीन बात समझ में आती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात क्या कि जो भी चीज़ मैटर होगा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा या कुछ ना कुछ मास होगा। आप एक चौक लीजिए, उसको तोड़ते तोड़ते उसका लास्ट पार्टिकल को भी अगर आप देखें तो उसका भी अपना कोई वेट होता है। अगर उसको हम 100 पार्ट में अलग और डिवाइड करें तो उसमें जो एक पार्ट होगा उसका भी एक अपना वेट होता है। तो फ्रेंड्स, इससे ये बात पता चली कि जितने भी दुनिया में टाइप के मैटर है सबके पास एक तो मास होता है। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो एयर भी तो मैटर है, तो एयर हम कैसे पता करें कि एयर के पास मास है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे क्लास 6-7 की बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था जिसमें हम एक स्टिक के दोनों छोर में एक इन्फ्लेटेड बलून और एक फुलाया हुआ बलून दोनों को बांध देते हैं और फिर फ्लेन सस्पेंड करने पर जो भरा हुआ बलून है वो नीचे वो भारी, उससे हमें पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि मैटर जो भी चीज़ है उसका अपना मास होता है। नंबर टू, फ्रेंड्स, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। फ्रेंड्स, मैटर जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, ये भी हमने क्लास 6-7 में पढ़ा है कि और जैसे कि आप देख ही सकते हैं आपके सामने जो किताब होगी या आप जिस मोबाइल पर है उससे अगर आप टेबल पर रखें तो टेबल का कोई ना कोई एरिया तो वो ले ऑक्यूपाई कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप उसे अपने चेयर पर रख दें तो चेयर का कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आपने स्कूल के डेस्क पर रखें तो उसमें भी कोई एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि मैटर जितना भी टाइप का है वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्या फ्रेंड्स, हवा भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? जी हाँ, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कैसे? फ्रेंड्स, आप सबका जब बर्थडे होता होगा तो आप घर में सजाने के लिए बलून लाते हैं ना। तो फ्रेंड्स, जब उस बलून में हम हवा भरते हैं तो कैसे वो बलून नॉर्मल से कैसे पूरा एकदम फूल जाता है? तो फ्रेंड्स, वो जो खुलता है वो उसके अंदर एयर भरा जाता है, हम लोग हवा भरते हैं तभी वो स्पेस ऑक्यूपाई करके उतना बड़ा होता है। तो इससे हमें क्या समझना है कि जितने भी मैटर होते हैं उस सबका अपना अपना एक स्पेस है। अब फ्रेंड्स, ये दो चीज़ तो हम क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये तीसरी चीज़ क्या है? इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। फ्रेंड्स, इसका बेसिकली मैं आपको मतलब बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िए, परसीव्ड बाय आवर सेंसेस माने कि जो हमारे सेंस से हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। हम इन 5 में से किसी से भी जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करें या ऑब्जर्व करें या फिर पता करें कि हाँ इसे हम फील कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स वो मैटर हो गया। मैं बताता हूँ कैसे। फ्रेंड्स, आप अभी अपने हाथ में अपना मोबाइल उठाइए या अपनी किताब उठाइए, तो फ्रेंड्स आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में स्किन है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम में कि आपके 5 ऑर्गन सिस्टम है, टंग, नोज, आईज, ईयर और स्किन।
तो आप जब भी किताब को उठाते हैं तो आप उसे छूते हैं ना, स्किन से आप फील करते हैं। उसके बाद हम अपनी आँख से उस किताब को देख पा रहे हैं, तो ये दूसरा सेंस हुआ। फ्रेंड्स, आप अभी किताब के पन्ने पलटेंगे तो उससे जो आवाज़ आएगी वो आपके कानों में जाके पहुँचेगी। तो क्या आप समझ में आया कि इन एक एक किताब से हम अपने तीन सेंस ऑर्गन से उसे पता कर पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप कुछ लोगों के मन में फिर से ये आएगा कि तब हवा को कैसे, हम हवा को तो ना हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हवा को हम अपने स्किन से अब्जॉर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कैसे कभी कभी बोलते हैं कि हाँ आज बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, या आज का मौसम बहुत गर्मी है, ये आपको कैसे पता चलता है? ये हवा ही होती है जो आपके बॉडी में जब आप टच होती है तब उसी की मदद से आपको पता चलता है कि आसपास की कितनी गर्मी है वगैरह वगैरह। तो इससे हमें एक बात और पता चलती है कि जो भी मैटर होता है उसे हम अपने सेंस से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम उसको थोड़ा और आगे करते हैं। फ्रेंड्स, और मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू। फ्रेंड्स, और मैटर जो होता है उसके पास अपना रेजिस्टेंस भी रहता है। मतलब कैसे फ्रेंड्स, इसके मैं आपको दो बार बताता हूँ। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस माने इसको मैं आपको इजीली समझाने पे कहूँ तो फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, आप अपने घर से मान लीजिए अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर से पैदल अगर स्कूल जा रहे हैं, इस बीच में तूफान आ गया, माने बहुत ही भारी तूफान, माने पेड़ हिल रहे हैं, बहुत ही आंधी तूफान आ गया है, तो फ्रेंड्स उसमें आपको ध्यान, आप अगर कभी ऐसे स्कूल या कहीं भी गए होंगे तो आपको एक बात बड़ी अजीब लगी होगी कि आप जो चलते, आपके चलने की, आपको ऐसा लगता है कि आपको आप नीचे की तरफ फेंकाएंगे, माने जैसे हम साइकिल में बैठ के इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही नीचे से ऊपर चढ़ाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो वैसे ही लगता है कि हम जैसे नीचे की तरफ फिसल रहे हैं जबकि आपको आगे जाना है। तो फिर इसमें क्या होता है ना कि मैटर दूसरे मैटर को जब टकराता है तो उसे अपने साथ खींचना चाहता है। समझे फ्रेंड्स, ये और इसमें जितना रेजिस्टेंस, माने इसमें जितना प्रेशर यूज हुआ है फ्रेंड्स, इतना सेम प्रेशर अगर आप 10 या 20 केजी का पत्थर उठाएंगे तो भी दोनों में सेम रेजिस्टेंस होगा। अब फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस क्या है? फ्रेंड्स, जब किसी मैटर पे दूसरा मैटर का फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। समझे फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज मैटर, मैटर मेड अप ऑफ, नेचुरल ऑफ, नेचर ऑफ मैटर। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं मैटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पौराणिक फिलोसोफर्स थे उनका मानना था कि नेचर जो मैटर है वो दुनिया के 5 एलिमेंट से बना है, माने हवा, पानी, आग, वायु, धरती, और वायु हवा एक ही होगी, सॉरी फ्रेंड्स। तो उनका मानना था कि इन 5 एलिमेंट से मिलकर जो है ये बना है मैटर। तो ये तो था जो और सब देश के थे, लेकिन फ्रेंड्स हमारे बहुत इंडिया के बहुत ही पुराने फिलोसोफर थे जिनका नाम महर्षि कन्नर था, उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, ये 5 एलिमेंट से नहीं बल्कि बनी हुई चीज़ नहीं, बल्कि ये बहुत ही छोटी पार्टिकल है जिसे वो अणु कहलाते थे, ANU, अणु, जिसे बाद में इंग्लिश में एक बहुत ही ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम डेमोक्रेटस था, उन्होंने इसको, इस टर्म को मॉलिक्यूल नाम दिया। तो फ्रेंड्स, आपके किताब में दिया होगा, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये MCQ टाइप के फिनी ब्लैंक्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे महर्षि कन्नर ने इसको नाम दिया अणु, लेकिन जब बाद में इस पर और ज़्यादा स्टडी हुई और पता लगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके और फर्दर पार्ट किए गए हैं, तब जिन्हें हम इंग्लिश में एटम कहते हैं, उन्होंने इस एटम को परमाणु, माने अणु के और पार्ट डिक्लेयर दिया। फ्रेंड्स, बाद में फ्रेंड्स इसके बाद जब ये दोनों हुआ तो बहुत ज़्यादा बाद में इस पर और रिसर्च हुई, और रिसर्च में एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब पानी की ड्रॉपलेट्स पर रिसर्च हो रही थी तो फ्रेंड्स इस पर पता चला कि एक जो पानी की बूंद होती है ना उस पर 10^21 का 10^21 मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ एक पानी की बूंद में। तो आप सोच सकते हैं कि जिस एक बूंद पानी को हम गिरते हुए देखते हैं उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक मेनली इसके तीन टाइप के होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है चार टाइप के होते हैं। चलिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। माने आप इसे सिंपल माइक्रोस्कोप आँख से तो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए बहुत ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, जो अगर आप अपनी स्कूल कभी केमिस्ट्री या कोई भी लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहली बात कि पार्टिकल मैटर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उसके बाद नंबर टू, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया नंबर टू। फ्रेंड्स और नंबर थ्री में ये पार्टिकल जो होते हैं ये कंस्टेंटली रैंडम मोशन में हो रहते हैं। अब ये रैंडम मोशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब भी दो मॉलिक्यूल्स, फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ। फ्रेंड्स आप अपने टेबल के पास खड़े हैं, ठीक है, अपना टेबल पे अपना जोर से हाथ मारेंगे तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें टेबल वाइब्रेशन होती है। फ्रेंड्स ये जो वाइब्रेशन होती है ना, ये इसी मॉलिक्यूल मैटर में डिस्टर्बेंस होता है और यही प्रूव करती है कि ये रैंडम मोशन है। इसके प्रूव करने का एक और तरीका है जिसे हम लोग ब्रॉयन मोशन कहते हैं। फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रॉयन, उन्होंने एविडेंस लिया कि पार्टिकल में जो मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये उन्होंने कैसे क्या किया कि एक पानी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स डाल दिए। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं। पॉलन ग्रेन्स डाल दिए और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने ये पाया कि पानी में जो पॉलन ग्रेन्स है वो उनके नॉर्मल चलने का मैनर बिल्कुल अलग है, वो जिगजैग या इरेगुलर मैनर में चल रहे हैं। तो इनका इरेगुलर तरह से चलने का कारण क्या था ये जब पता किया तो इसका कारण ये निकला कि पार्टिकल्स में रैंडम मोशन है, पार्टिकल्स में लगातार वाइब्रेशन होते रहता है। माने कभी दोनों पार्टिकल बिल्कुल ही आपस में माने ऐसे फिक्स रहते हैं कि दोनों वाइब्रेट करते रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इसमें इसी के लिए इसे ब्राउन मोशन किया गया और यही पहला रिसर्च था जिससे पता चला कि ये मॉलिक मैटर में रैंडम मोशन होता है। फ्रेंड्स चौथा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है जिसकी वजह से ये चिपके रहते हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स जब भी दो पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं उनके चिपकने का कारण ये रहता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसके कारण वो दोनों पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होते हैं। समझे फ्रेंड्स? और ये जो ब्रॉयन मोशन था इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। और क्योंकि ये फिनोमियन रॉबर्ट ब्रॉयन ने किया था इसलिए इस मोशन को, इस एक्सपेरिमेंट को ब्रॉयन मोशन कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम डिफ्यूजन और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।